चंद्रयान 3 और G20 की सफलता के बाद अब देश की निगाहें संसद के विशेष सत्र पर है, क्योंकि अभी हाल ही में इंडिया और भारत नाम पे खूब विवाद हुआ था और इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा खूब गर्माया रहा है और अचानक से सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुला लिया तो कई राजनीतिक दल और आम जन ये कहने लगे कि सरकार देश का नाम बदलने के लिए और संसद को भंग करके अचानक इलेक्शन करवाना चाहती है, इसलिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और अब सरकार ने इस विशेष सत्र के एजेंडे को सबके सामने रख दिया। तो चलिए इस वीडियो में आपको सरकार के विशेष सत्र के एजेंडे को बताते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि इतिहास में कब कब बुलाया गया संसद का विशेष सत्र। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा है और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। मोदी सरकार 18 सितंबर 2023 यानी कि कल से संसद के विशेष सत्र का आयोजन कर रही है। यह सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। बुधवार यानी कि 13 सितंबर 2023 को संसदीय कार्य मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने संसद के एजेंडे को देश के सामने रखा था। इस विशेष सत्र में सरकार आजादी के 75 साल पूरे होने, G20, चंद्रयान समेत आजादी के 75 साल पूरे होने पर चर्चा करेगी। संसद के विशेष सत्र को लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल है, जैसे कि यह विशेष सत्र क्यों बुलाया जाता है, इसके पीछे की वजह क्या होती है, देश में इससे पहले संसद के विशेष सत्र कब कब बुलाए गए और क्यों बुलाए गए। हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। संसद का स्वरूप राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। हमारे संविधान के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति इस देश के संवैधानिक प्रमुख है और संसद के ये महत्वपूर्ण घटक है। यहां यह बताना भी दिलचस्प है कि संसद का महत्वपूर्ण घटक होने के बावजूद भी राष्ट्रपति चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। संसद सत्र बुलाने का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 85(1) देता है। सरकार के संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की सलाह और फिर औपचारिक निवेदन के बाद भारत के राष्ट्रपति इसकी मंजूरी देते हैं। हमारे देश में संसद का सत्र बुलाए जाने के लिए अगर कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर मौजूद नहीं है, लेकिन परंपरा के मुताबिक सरकार 3 सत्र आयोजित करती है जिसमें बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र शामिल होते हैं। हमारे देश में संसद का सत्र बुलाए जाने को लेकर कोई संसदीय कैलेंडर नहीं है। आजाद भारत में 1955 में एक कमेटी जरूर बनाई थी। इस कमेटी ने प्रस्ताव दिया था कि बजट सत्र 1 फरवरी से 7 मई तक, मानसून सत्र 15 जुलाई से 15 सितंबर तक और शीतकालीन सत्र 5 नवंबर के दिवाली के चौथे दिन, जो भी बाद में हो उसमें आयोजित किया जाए। हालांकि इस प्रस्ताव पर कभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि संविधान में कहा गया कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, इसलिए अगर देखें तो भारत में संसद का सत्र 3 बार बुलाया जाता है। संविधान में कहीं भी शब्द विशेष सत्र का भी कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यह आमतौर पर अहम विधायी और राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ी परिस्थितियों में सरकार को राष्ट्रपति के आदेश से देश के सभी सांसदों को समन करने का अधिकार देता है। साथ ही इस सत्र में प्रश्नकाल को हटाया जा सकता है। अभी तक इस देश में संसद के 7 विशेष सत्र बुलाए जा चुके हैं। जो पहला सत्र हुआ था 1977 में तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए फरवरी में 2 दिनों के लिए राज्यसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया था। दूसरा सत्र 1991 में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी के लिए 2 जून में 2 दिवसीय विशेष सत्र यानी कि 898वां सत्र आयोजित किया गया था। तीसरे सत्र की बात की जाए तो इसको 1 साल बाद 1992 में भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संसद के विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। चौथा सत्र 26 सितंबर 1997 को भारत की आजादी की स्वर्ण जयंती का उत्सव मनाने के लिए संसद के विशेष सत्र का आयोजन किया था। पांचवा सत्र 2008 में लेफ्ट संगठनों ने कांग्रेस की मनमोहन नीति सरकार के खिलाफ अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद जुलाई में बहुमत साबित करने के लिए सरकार ने लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया था। अगर छठे सत्र की बात की जाए तो इसको 26 नवंबर 2015 में डॉक्टर B.R. अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाने के लिए मोदी सरकार ने विशेष सत्र का आयोजन किया था। और सातवां सत्र जो आखिरी सत्र बुलाया गया था वो अप्रत्यक्ष कर यानी कि GST में सुधार के लिए BJP ने मध्यरात्रि में संसद के विशेष सत्र का आयोजन किया था। यानी कि जो अभी तक 7 विशेष सत्र बुलाए गए थे उसमें बड़े बड़े फैसले भी लिए गए हैं, बड़ी चीजों के लिए बुलाया गया था, और जो अब दूसरा 8वां विशेष सत्र बुलाया गया है उससे पहले बड़े सारे सवाल थे, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का,
इंडिया और भारत का, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पे सवाल उठे थे, क्या भारत सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है क्या इसके लिए बुला रही है, इसके पीछे का क्या कारण है। जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने अपना एजेंडा जारी कर दिया। उन्होंने बताया कि G20 सफलता, चंद्रयान की सफलता पर डिस्कस करने के लिए इसको संसद के सत्र को बुलाया जाता है। अब देखना होगा कि अब इस पे क्या आगे क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। पर फिलहाल इस रिपोर्ट में जो हमने आपको जानकारी दी कि कब कब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देखते रहिए चैनल को।